खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NHICS MPPSC में। हम लोग देख रहे थे MCQs जो कि MPPSC प्री 2022 के लिए आपको महत्वपूर्ण होंगे और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी ये MCQs महत्वपूर्ण हैं। और आज का जो विषय है वो है पॉलिटी। पॉलिटी के MCQs हम लोग देखेंगे और ये इसका दूसरा भाग है। संबंधित जो PDF है वो सिविल सर्विसेज क्लब से ली गई है। हमारा उद्देश्य केवल आपको सुविधा अनुसार इसे बताना होगा, है ना। पूरा क्रेडिट सिविल सर्विस क्लब को जाता है। चलिए समय ना गवाते हुए अपन क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम लोग 51 क्वेश्चन देख चुके हैं, आज 52 क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न कहता है कि भारत में लोक सेवा आयोग प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा स्थापित हुआ। तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, है ना। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। थोड़ी देर के लिए आपको इसमें पॉज मिलेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो आप सही आंसर टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ। यह लागू हुआ 1 अप्रैल 1937। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा, 1 अप्रैल 1937। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। इसका सही उत्तर होगा लखनऊ अधिवेशन 1936। अगला प्रश्न कहता है कि संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कितने विषय थे। जो संघीय सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें कितने विषय शामिल हैं। तो इसमें आप उस समय की बात करें 1935 के अधिनियम की, तो 59, 54 और 36, ये तीन नंबर आपको याद रखने हैं, 59, 54, 36। आपको यदि कोई भी क्वेश्चन का उत्तर गलत लगता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, उसका हम समाधान करके कमेंट में आपको बताएंगे। अगला प्रश्न कहता है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्यों का होना अनिवार्य था। तो कितने भारतीय सदस्यों का होना अनिवार्य था कार्यकारिणी परिषद में। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, तीन भारतीय सदस्यों का होना अनिवार्य था। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की जा रही थी, यह कब किया गया। इसका सही उत्तर है 1 अक्टूबर 1937 को, 1 अक्टूबर 1937 को ये किया गया। विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि संघीय न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त थी। जो संघीय न्यायालय था 1 अक्टूबर 1937 को जिसकी स्थापना की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई, इसको कैसे अधिकारिता प्राप्त थी। इसका सही उत्तर होगा प्रारंभिक, परामर्शदात्री और अपीली, ये तीन इसको अधिकारिताएं प्राप्त थी। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन के तहत सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, ईसाइयों, भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे आपको पृथक निर्वाचन शब्द पर ध्यान देना है, पृथक निर्वाचन शब्द जो था इसकी व्यवस्था कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1919 जो अधिनियम था, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें यह प्रावधान लाया गया था। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय में कुल कितने सदस्य थे। जो संघीय न्यायालय 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित थी, कब स्थापित की गई थी, तो 1937 में स्थापित की गई थी, इसमें कितने सदस्य थे। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 7 सदस्य थे इसमें। अगला प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को किस कांग्रेस नेता ने भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। तो ये आप जरूर ध्यान दें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे, कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा था, है ना, किस भारतीय नेता ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। इसका सही उत्तर का विकल्प बी, एनी बेसेंट ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। संबंधित सुपर 100 बैच की जानकारी है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार, भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ एक महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव इनमें से कौन सा नहीं है। चार विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प है जो भारत शासन अधिनियम 1935 से स्वीकार किया हुआ नहीं है। सबसे पहले देश के लिए लिखित संविधान, तो बिल्कुल ये नहीं किया गया था। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, बिल्कुल सही है। एक संघ की योजना, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय संघ की बात की गई थी। फिर विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समन्वित किया जाना, ये भी सही है। विकल्प ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा कि देश के लिए लिखित संविधान की बात नहीं की गई थी।
अगला प्रश्न, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वह क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ये तो बिल्कुल सही है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली नहीं, इसके द्वारा नहीं मिली थी, 1947 में जो अधिनियम आया था उसके माध्यम से स्वतंत्रता मिली थी। भारत विभाजन नहीं, भारत विभाजन की बात इसमें नहीं की गई है। रियासतें समाप्त हुई, ये भी नहीं किया गया। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में मुद्रा व साख के नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना जो की गई थी तो किस अधिनियम के तहत की गई थी ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा आरबीआई की स्थापना की बात की गई थी। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम का कौन सा प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ? तो कौन सा प्रावधान था जो कभी लागू नहीं हुआ? राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना ये तो किया गया, मताधिकार का विस्तार किया गया, अखिल भारतीय संघ की का प्रयास किया गया लेकिन लागू नहीं हो सका, जबकि केंद्र में द्वैध शासन ये चीज़ यहाँ पे जो है तो कभी लागू नहीं हो पाई थी, है ना, केंद्र में द्वैध शासन की बात जो है तो आप बताएंगे। 1935 का अखिल भारतीय कौन सा प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ, इस क्वेश्चन को मैं चेक कर लूँगा, है ना। मुझे जहाँ तक इसका उत्तर लग रहा है विकल्प डी होना चाहिए, विकल्प डी इसका उत्तर होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए प्रयास किया गया था लेकिन ये लागू नहीं हुआ, जबकि द्वैध शासन तो था उसमें, है ना, केंद्र में द्वैध शासन, मताधिकार का विस्तार भी किया गया था, राज्य मतदाई सरकार की स्थापना भी की गई थी। विकल्प डी इसका सही उत्तर माना जाएगा। मैं इसको एक बार चेक करके आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो केंद्र में द्वैध शासन की बात यदि हम करें तो किस अधिनियम के तहत ऐसा किया गया, जिसे आप बताएंगे कि 1935 का अधिनियम, अभी हमने देखा कि 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट मानने के लिए, अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया था? विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो जो 1919 का अधिनियम था उसके द्वारा राज्य की विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि पहली बार भारत में महिलाओं को मताधिकार किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था? पहली बार भारत में महिलाओं को मताधिकार किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भारत शासन अधिनियम 1919। यहाँ पर जरूर ध्यान देना है कि महिलाओं को यहाँ पर मताधिकार की बात की गई थी। अगला प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कितने प्रतिशत जनसंख्या तक किया गया था? 1935 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन था उसका विस्तार किया गया था, कितने प्रतिशत किया गया ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 10% जो जनसंख्या थी वहाँ तक इसका विस्तार किया गया था। अगला प्रश्न कहता है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किसकी सिफारिशों के आधार पर किया गया था? तो केंद्रीय लोक सेवा जो आयोग था वो किसकी सिफारिश किया गया था? तो ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था, है ना, और स्थापना की गई कब, 1926 में। अगला प्रश्न कहता है कि 1935 भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं बताइए, है ना, कुछ विशेषताएं दी गई हैं उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा जो है तो कुछ विशेषताएं थी, है ना। गवर्नर प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई थी, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। अगला है गवर्नर को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति एवं स्वयं द्वारा विधि बनाना, तो ये भी बिल्कुल इसमें कहा गया था कि गवर्नर जो है विधायी क्रियाओं में वीटो की शक्ति रहेगी उसके पास। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, नहीं, नियम की समाप्ति नहीं हुई थी बल्कि उसे 10% क्षेत्रों में उसे बढ़ा दिया गया था ना, 10% जनसंख्या तक उसका विस्तार कर दिया गया था। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जो संघीय न्यायालय हमने देखा था कि 1937 में जिस जो इसका गठन किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा, तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर मैरिस ग्लेवर जो थे इसके पहले न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न, 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जो प्रस्तावित फेडरल यूनियन था उसमें राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की मंशा क्या थी ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांत को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करने के लिए
ऐसा किया गया था, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्न में से कौन से चुनाव संपन्न नहीं कराए गए। भारत शासन 19 के अधिनियम के अंतर्गत कौन से चुनाव संपन्न नहीं कराए गए थे, तो इसका सही उत्तर है 1924 बी। 1924 का चुनाव जो है इसके अंतर्गत नहीं कराया गया था, जबकि शेष अन्य सभी चुनाव इसमें संपन्न कराए गए थे 1920, 1926, 1945। अगला प्रश्न कहता है कि द्वैध शासन प्रणाली की असफलता जांच के लिए गठित समितियों के अध्यक्ष कौन थे। जो द्वैध शासन प्रणाली थी वह असफल थी, इसकी जांच करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर मूडी मैन। अलेक्जेंडर मूडी मैन जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 दोहरी शासन प्रणाली से भी बुरा है, यह कथन किसका था। ये कोटेशन वाले क्वेश्चन जरूर आप ध्यान दें, कथन वाले ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जी ने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 दोहरी शासन प्रणाली से भी बुरा है। अगला प्रश्न कहता है, किस अधिनियम के तहत भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कर सकता है, तो इसका सही उत्तर का विकल्प ए 1919 अधिनियम के तहत भारत सचिव को अधिकार था कि वह भारत में महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कर सकेगा। अगला प्रश्न है, किस सम्मेलन में भारत शासन अधिनियम 1935 की रूपरेखा को सामने रखा गया था। 1935 की जो रूपरेखा थी उसको किस गोलमेज सम्मेलन के द्वारा सामने रखा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 1935 के अधिनियम की बात की गई थी। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। द्वैध शासन जो था उसका जनक किसे माना जाता है, तो लियोनिस कार्टिस जो थे, है ना, लियोनिस कार्टिस, उन्हें इसका जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव उसके परिषद का खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए 1919 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है, इसका सही उत्तर है विकल्प बी संघीय विधानमंडल गवर्नर जनरल राज्य परिषद संघीय सभा से मिलकर बनती थी, यह भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा स्थापित राज्य परिषद केंद्रीय विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी थी। राज्य परिषद में और केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या आपको बतानी है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 60 और 145। जो राज्य परिषद थी वहाँ पे 60 सदस्य थे और जो केंद्रीय विधानसभा थी वहाँ पे 145 मेंबर थे। अगला प्रश्न, संघीय न्यायालय में दो भारतीय न्यायाधीश कौन थे। तो संघीय न्यायालय में जो दो भारतीय न्यायाधीश थे, सबसे पहले थे एम आर जयकर और शाह मोहम्मद सुलेमान, ये संघीय न्यायालय में दो भारतीय न्यायाधीश थे, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। अगला प्रश्न कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय कार्यकारिणी का निम्न में से कौन सा अभिलक्षण है। प्रांतीय कार्यकारिणी का अभिलक्षण यहाँ पे आपको बताना है, तो प्रांत का कार्यकारी प्राधिकार गवर्नर में निहित है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। गवर्नर को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद थी, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, गवर्नर को प्रांतीय विधानमंडल के अविश्वास मत द्वारा हटाया जा सकता था, नहीं हटाने गवर्नर को हटाने की बात नहीं थी, तो विकल्प 1 और 2 सही हो जाएंगे, तो मतलब विकल्प ए अपना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा निम्न प्रावधान किए गए थे, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान जो है तो किए गए थे। ये यहाँ पे संघी है ना, संघी न्यायालय की स्थापना बिल्कुल सही। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात, भारतीय राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ, बिल्कुल सही। भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त करना, ये भी बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सभी विकल्प सही हैं, अर्थात विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का नया अधिकार पत्र, 1935 का जो नियम था उसे दास्ता का नया अधिकार पत्र किसने कहा था, तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो कहा जा रहा है कि प्रांतीय विषयों का केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार सांविधिक नियम बनाया गया
वह कौन सा था? तो विकल्प बी सही उत्तर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। कथन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय रहीं। कारण कहता है कि क्योंकि सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा जो पहला है वो तो गलत है ना, 1919 के प्रवर्तन के साथ ऐसा नहीं कहा गया था, और कारण जो है तो सही है ना। तो अब विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा, ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जहाँ तक है तो जो चार्टर जो अपना वो था, बिना वकील बिना दलील बिना अपील का जो कानून था वो यहाँ पे था है ना, और उसे क्या बोलते थे, उसे बोलते थे रोलेट एक्ट। आप रोलेट एक्ट कब लागू हुआ इसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 की ब्रिटेन की तरफ से अगुवाई कौन कर रहा था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो था उसमें ब्रिटेन की तरफ से अगुवाई किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा इसकी अगुवाई की गई थी। अगला प्रश्न कहता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को कब लागू किया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार थे उन्हें कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर का विकल्प सी, 1921, 1921 से इसको जो है तो लागू किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया कब था? तो यह आया था 1919 में है ना, और लागू किया गया 1921 से। अगला है, 1937 के चुनाव के संदर्भ में सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना है। इसे आप देखें, एक तरफ प्रांत दिए गए तो उनके मुख्यमंत्री बताए गए हैं, इनका सही मिलान करना है। तो मद्रास के मुख्यमंत्री थे सी राजगोपालाचारी, बम्बई के मुख्यमंत्री थे वी जी खरे, पंजाब के मुख्यमंत्री थे सिकंदर हयात जहां, और बंगाल के मुख्यमंत्री थे फजल उल हक। तो विकल्प बी यहां पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नरेंद्र मंडल जिसने रियासतों को तीन श्रेणियों में बांटने की व्यवस्था की थी किस अधिनियम से संबंधित था? नरेंद्र मंडल जो है वह किस अधिनियम से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1919 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 बाह्य रूप से कुछ जनतंत्रवादी परंतु अंदर से पूर्णतः खोखला है, यह किसने कहा था? भारत शासन अधिनियम 1935 बाह्य रूप से कुछ जनतांत्रिकवादी परंतु अंदर से पूर्णतः खोखला है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप जरूर विशेष ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव किस अधिवेशन के किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है कि कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय खंड व्यवहार में नहीं आया। कारण, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका विरोध किया। इसका सही उत्तर है विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, विकल्प बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा गया? जो प्रेसिडेंट थे और डिप्टी प्रेसिडेंट थे उनको क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अधिनियम के द्वारा कहा गया? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसके पहले अध्यक्ष और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेडरिक वाइट जो थे तो केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष, और सचिदानंद सिन्हा इसके उपाध्यक्ष थे, विकल्प बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि अधिनियम के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1958 के द्वारा स्थापित भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1935 के अधिनियम के द्वारा। और आज का जो अंतिम प्रश्न है समा क्वेश्चन, कहता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे
1919 जो अधिनियम था उसके तहत हम देखें तो राज्य परिषद में निर्वाचित 34 और मनोनीत 26 सदस्य होते थे, बिल्कुल सही। केंद्रीय विधानसभा में निर्वाचित 34 और मनोनीत 14 सदस्य होते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा, दोनों कथन सत्य हैं। तो इस तरह से हमने जो है तो 100 क्वेश्चन पूरे किए हैं। पहले पार्ट में हमने 51 क्वेश्चन किए थे, आज जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने 49 क्वेश्चन किए हैं। तो 100 क्वेश्चन पॉलिटी कर लिया हमने। इस तरीके से हम लोग पॉलिटी और हिस्ट्री के और एमपी के ऑब्जेक्टिव लाते रहेंगे। आपको प्रयास अच्छा लगे तो आप इसे अपने मित्रों तक पहुँचाएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और इसका पूरा जो क्रेडिट है पीडीएफ का वो सिविल सर्विसेज क्लब को दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।